हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बाबू, कल आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम है। अब हमने ये देखना है कि बेटा, क्या हम कोई टिप ट्रिक लगा सकते हैं अकाउंट्स में अच्छा स्कोर करने की, और कैसे हमें बेटा आंसर शीट को यूज़ करना है, उन 32 पेज को कैसे यूज़ करना है। तो मैं ना बात स्टार्ट करता हूँ इस बात से कि CBSE ने वैसे तो फैसिलिटी देने की कोशिश करी, पर बेटा सच मायने में ना फैसिलिटी बनी नहीं। बच्चा ना उल्टा और कंफ्यूज हो गया कि मेरे सीक्वेंस का क्या होगा। ठीक है ना, मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ सीक्वेंस, और बीच में एक लेजर का क्वेश्चन आ गया, तो मेरे को क्या आखिरी के 8 पेज में जाना पड़ेगा। तो बच्चा आफ्टर ऑल ना फैसिलिटी ना मान के परेशान ज़्यादा हो गया, पर उसके दिमाग में ये चीज़ें और आने लग गई कि मैं यार ये सोच लूँ पहले कि मैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे करूँगा। तो सच में फैसिलिटी है, फैसिलिटी तो नहीं है। और बेटा फैसिलिटी का मतलब ये आपका राइट है उसको अवेल करना या नहीं करना। यानी कि मैं अगर बोलूं कि बेटा 1 to 16 पेज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे किसी भी नॉर्मल आंसर शीट के हैं, 17 to 24 पे हमारा जर्नल का फॉर्मेट है, और बेटा 25 to 32 मेरे पास लेजर का फॉर्मेट है। बेटा फैसिलिटी के नाम पर ये फैसिलिटी है, अगर मैं अवेल ना करना चाहूँ ये तुम्हारा राइट है बेटा। अगर किसी को लगता है यार मेरा सीक्वेंस बिगड़ता है, मैं उल्टा कंफ्यूज होता हूँ, तो बेटा आप चाहो तो 16 पेजेस के बाद 20 सीट मांग सकते हो, प्रोवाइडेड एक काम जरूर कर लेना। लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था एग्जाम में ना, तो कहीं सेंटर ने 20 सीट देने से मना कर दिया था कि आपने 16 पेजेस यूज नहीं करे, पहले ही बात कर लेना। ठीक है, अच्छा मैं क्या चाहता हूँ इससे, अगर तुम्हें फर्क पड़ता तो मैं तो चाहता हूँ इस फैसिलिटी को हम यूज करेंगे, हम टाइम बचाएंगे। ठीक है ना, कैसे बचा सकते हैं और क्या करना है और कैसे सीक्वेंस फॉलो करना है, तो अब मैं इसकी चर्चा कर लेता हूँ बेटा। पहले मैं लिख लेता हूँ मैं 1 to 16 पेजेस में करने क्या क्या वाला हूँ। ठीक है, मैं एक अलग पेज में बात कर लूंगा बेटा 17 to 24, जहाँ बेटा जर्नल का फॉर्मेट है, मैं वहाँ क्या करने वाला हूँ, और बेटा 25 to 32 जहाँ लेजर का फॉर्मेट है, मैं वहाँ क्या करने वाला हूँ। ठीक है ना, मैं इन तीनों की बात करने जा रहा हूँ। बाबू अगर आपको याद हो तो मैंने ना एक लेक्चर में ये कहा था कि मैं तो पूरे 15 मिनट पढ़ने के बर्बाद कर देता था, इवन एट द CA फाइनल लेवल। तो क्या आपको बर्बाद करने हैं क्या नहीं करने, इट इज़ योर चॉइस। मैं तो बर्बाद कर दिया करता था, लेकिन मैं इस पेपर के लिए अगर कहूँ कि हम उसको यूज़ करेंगे और कैसे करेंगे, तो ये भी समझ लो मैं क्या चाहता हूँ अब आपसे बेटा। मैं ना थोड़ा सीक्वेंस भी बरकरार रखना चाहता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा जितना रख सकते हैं मैक्सिमम, और मैं चाहता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो जाए और ख़राब भी ना हो किसी भी तरीके से कुछ भी। तो मैं कुछ ऐसा सोच के आया हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा बेटा, क्वेश्चन में जब 15 मिनट में पेपर में जब मेरे को 15 मिनट मिलेंगे पढ़ने के लिए, मैं यूज़ करूँगा, क्या करूँगा, पार्ट बी पढ़ूंगा पहले, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे उससे थका हुआ कुछ लगता ही नहीं है, सबसे आसान लगता है। ठीक है ना, और पार्ट बी के लिए सबसे अच्छी बात, दिमाग को आपके जोर ही नहीं डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा पार्ट बी पूरा का पूरा 27 to 34 क्वेश्चन पूरे के पूरे चिपका देना बेटा शुरू के 16 पेज में, यहाँ इसमें फॉर्मेट का कोई यूज ही नहीं होता, सबसे आसान बात। ठीक है ना, इसमें से 4 क्वेश्चन तो बेटा मेरे एक एक नंबर 1-1 मार्क के हैं, 27 to 30, 31, 32, 3 मार्क, 33, 4 मार्क, और 34 बेटा 6 मार्क का, 33 मेरा 4 मार्क का, 34 क्वेश्चन कैश लोग होगा, 6 मार्क पक्की बात है, कंफर्म है ये बात। ठीक है ना जी, ये सबसे आसान, इससे आसान कुछ नहीं होगा। कुछ सोचा, दिमाग का प्रेशर डाला कि जर्नल आ गया लेजर आ गया, कुछ नहीं, पहले ये करो, फिर क्या करो, फिर 1 to 16 क्वेश्चन करो बेटा 1 मार्क क्वेश्चन। अब मैं बता देता हूँ, इस 1 मार्क क्वेश्चन में ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसमें जर्नल एंट्री हो, तो घबराना क्या, यहीं करो, मैं नहीं कर रहा वो फैसिलिटी अवेल, मेरी मर्जी है ना। ठीक है ना, अगर कोई लेजर का क्वेश्चन है बेटा यहीं करो, मैं सोचो ही ना मुझे फैसिलिटी अवेल करनी है, सीक्वेंस भी थोड़ा सा संभाल लेते हैं ना हम, जबरदस्ती क्या है, कोई दिक्कत आई अभी तक तो नहीं आई, झेल लिया। अब बेटा मैं चैप्टर वाइज बता देता हूँ क्या क्या करना है, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, ये गड़बड़ मत करना, नरेशन ना छोड़ाना बेटा, पूरे साल की आदत है ये, पूरे साल की आदत। ऐसे भी टॉपर देखे हैं जिनको 2 घंटे 55 मिनट खत्म होने के बाद याद आया,
कि मैंने किसी भी क्वेश्चन में पूरे इशू ऑफ शेयर पूरे इशू ऑफ डिबेंचर में कहीं नरेशन ही नहीं लिखी और आखिरी 5 मिनट में लिख नहीं पाया। बहुत जर्नल एंट्री बैठती हैं आखिरी में, नहीं लिखी जा सकती, नरेशन ना भूल जाना, ठीक है ना, प्रैक्टिस नहीं होती। ठीक है जी, चलो मैं बात को पे वापस आता हूँ बेटा। अब मैं चैप्टर वाइज बता देता हूँ, पार्ट बी तो भूल जाऊँ, पार्ट बी की तो समस्या ही सॉल्व हो गई, वन मार्क क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फंडामेंटल से कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, इट इज बेस्ड जर्नल एंट्री। सर क्या टेंशन क्या है, फंडामेंटल का क्वेश्चन है और बेटा जर्नल एंट्री पर बेस्ड है। लो जी, जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में करो, ठीक है ना, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन, मुझे नहीं लगता, ठीक है ना। फंडामेंटल का क्वेश्चन है और बेटा मान लो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, तो बेटा मैं फंडामेंटल का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए लेजर यूज करूंगा। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन हो फंडामेंटल का पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर कैपिटल बनाने, सर मैं नहीं यूज करूंगा लेजर, अकाउंट में जब बेटा मैं सारे पार्टनर के नाम लिखता हूँ कॉलम में पर्टिकुलर्स एबीसी पर्टिकुलर एबीसी, तो बेटा लेजर आपको पता होगा सिंपल लेजर है, सिंपल लेजर में तो आ ही नहीं सकता। तो बेटा मैं फिर पूरा क्वेश्चन यहां करूंगा, फंडामेंटल का क्वेश्चन हो और बेटा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, तो बेटा मैं यही करूंगा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, देखो आना क्या है, मैं हमेशा की तरह बात करता हूँ जो मुझे लगता है आना है। सर गारंटी का क्वेश्चन आ सकता है या पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी के क्वेश्चन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाएगा, सर पीएनएल ही बनवाएगा तो लेजर में जाएगा क्वेश्चन, और पास्ट एडजस्टमेंट आया सर यही होगा और कोई रास्ता ही नहीं है, शुरू के 16 पेज में, जैसे ही ये खत्म होगी बी शीट मांग ली जाएगी, फंडामेंटल खत्म, गुडविल की कैलकुलेशन आ गई, सर कहीं और जाना है, कहीं नहीं जाना, सोचना भी नहीं, गुडविल हो गया। सर एडमिशन का क्वेश्चन आ गया, सिर्फ जर्नल एंट्री, अगेन रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, वो तो कुछ भी सकता है, तो सोचना है सिर्फ जर्नल एंट्री है। एडमिशन का क्वेश्चन है, लेजर आए हुए हैं सारे, रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है, तो बाबू फिर अगेन पार्टनर कैपिटल का तो पंगा ही है भाई, सिंपल लेजर है, तो बेटा मैं एडमिशन में सारे लेजर एक ही जगह बनाऊंगा। बेटा अगर आपने ये करने की कोशिश करी ना कि रीवैल्यूएशन नॉर्मल लेजर और पार्टनर कैपिटल, बस ऐसे करते करते ही मर जाओगे, ठीक है ना। और एक बड़े फेमस टीचर हैं, सीए में पढ़ाते थे मेरे को, वो हमेशा यही बोलते थे, पेपर डिफिकल्ट करना हो तो उसी क्वेश्चन को अगर 2 पेज पे प्रिंट कर दोगे ना, बच्चे उसी को डिफिकल्ट बना देते हैं। तो ये कभी मत कर देना कि सिंपल लेजर यहाँ और यहाँ, सब कुछ एक ही जगह पे बनेगा। तो एडमिशन लेजर का क्वेश्चन आएगा, मैं सोचूंगा अभी नहीं, आखिरी गेट 8 पेज भूल जाऊंगा मैं, ठीक है। सेम बात रिटायरमेंट के लिए भी है, लेजर आएंगे, रिटायरमेंट का क्वेश्चन मैं यहीं पर करूंगा शुरू के 16 पेज में, मैं नहीं कर रहा हूँ वो फैसिलिटी अवेल, ठीक है। लेकिन अगर रिटायरमेंट में बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट आ गया, ठीक है ना, या डेट एग्जीक्यूटर अकाउंट आ गया, सर आपको भी पता है सिंपल लेजर की ही जरूरत है, तो बेटा सिंपल लेजर ही यूज करूंगा पार्टनर्स लोन अकाउंट के लिए या बेटा पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए। ठीक है, चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छा, डिसोल्यूशन आया, सारा का सारा लेजर है और सिंपल लेजर की कई यूज है, चाहे रियलाइजेशन की बात कर लो, पार्टनर्स लोन की बात कर लो, पार्टनर कैपिटल की बात कर लो, अगर एक का ही हुआ, वैसे तो होगा नहीं एक का, तो फिर क्या करोगे, और कैश और बैंक, तो आप एक काम करना शुरू के 16 पेज में आ जाना। लेकिन हाँ, डेथ में एक आनी चल सकती है ना, नॉर्मल क्वेश्चन हो तो, एक ही तो बेटा अकाउंट बनाता हूँ जिस पार्टनर की डेथ होती है उसी के लिए तो कैपिटल सोचता हूँ, तो बेटा अगर डेथ का नॉर्मल क्वेश्चन भी हो तो यहाँ कर लेना, ठीक है ना। लेकिन डिसोल्यूशन के लिए क्या करना, वापस आ जाना। ठीक है, अब बेटा रही बात इशू ऑफ शेयर इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ शेयर से बैलेंस शीट के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, शुरू के 16 पेज,
एक तो आएगा ही, 3 नंबर में कंफर्म है भाई। ऐसे ही वो ही है ना, आंख बंद मत करो, आना ही है ये क्वेश्चन। तो मुश्किल लगे आसान लगे। और बाबू इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर, यहाँ पर सर इतनी सिंपल बात है, यहाँ चैप्टर वाइज मुझे थोड़ा सा डिफर होना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर तो आगे पीछे हो सकते हैं, किस चैप्टर से कहाँ आया, किस चैप्टर से कहाँ आया, तो मैंने वो डिस्कशन कर लिया जो सब कुछ हो सकता है, ठीक है ना। जर्नल एंट्री में तो गिनी चुनी बात है भाई, बड़ी गिनी चुनी बात, ठीक है ना। ऐसा भी होगा जर्नल एंट्री के 6 पेज खाली पड़े होंगे या 5 पेज खाली पड़े, और बी शीट लगी भी होगी, ऐसा होगा। कोई मैं इंसान फैसिलिटी अवेल नहीं करना चाहता, मत ही करो, टेंशन फ्री। लेकिन करना ये 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ना पार्ट बी ठंडे दिमाग से, सबसे इजी यही होगा, ठीक है ना। पार्ट बी शुरू से करो, 16 क्वेश्चन शुरू के करो, इतना मैं सोचता हूँ 1.25 घंटे में हो जाना चाहिए, कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.25 घंटे के बीच में आप इतना निपटा लोगे, ठीक है जी। अब भाई सिलेबस तो आपने ही पढ़ना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन मैं समझता हूँ टेढ़ा आएगा, बाकी सब पेपर एवरेज ही होगा, कोई मुश्किल पेपर मुझे नहीं लगता। इस सोच पे मैं मुश्किल नहीं कह सकता पेपर को कि बिजनेस स्टडीज का आसान आया। भाई जब पेपर सबमिट किए जाते हैं तो बेटा अलग अलग टीचर सबमिट करते हैं, और किसका पेपर कब खुलेगा ये उनको खुद भी नहीं पता होता, ना वो रिवील कर सकते किसी के सामने। तो बेटा इस सोच पे कि बिजनेस स्टडीज का आसान है, अकाउंट्स का मुश्किल आएगा, ये तो भ्रम है आपका और बेवकूफियत है। ना ऐसा सोचो, ना आपको टेंशन लेने की जरूरत है, पेपर बहुत एवरेज होगा, ठीक है ना, और आप फोड़ दोगे पेपर। चलो ऑल द बेस्ट सबको, ठीक है ना। आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।